नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम BSc थर्ड ईयर का मैट्रिक्स पेज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। लेट x बी ए नॉन एम्प्टी सेट। x क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी, ठीक है। ए मीट्रिक और डिस्टेंस फंक्शन, मीट्रिक कह लो या डिस्टेंस फंक्शन कह लो, ऑन एक्स इज ए रियल फंक्शन डी एक्स क्रॉस एक्स। एक्स क्रॉस एक्स के अंदर क्या होते हैं? हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, आप जानते हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्या? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स, ठीक है ना, एक्स क्रॉस एक्स, ठीक है ना। तो क्या लगेंगे? डी लगेगा किसके ऊपर? ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर, ठीक है ना। तो क्या आएगा उसके ऊपर? एक रियल नंबर। क्या आएगा उसके बदले में? एक रियल नंबर आएगा, सेट ऑफ रियल, ठीक है ना। क्योंकि ये एक्स क्रॉस एक्स से लेकर रियल नंबर के ऊपर डिफाइन है, तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या आती है? एक रियल नंबर आती है, ठीक है ना। ओके, विच सेटिस्फाई द फ्लोइंग कंडीशन। अगर ये फ्लोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड कर देता है तो क्या कहलाएगा? ये एक्स डी इज ए मीट्रिक स्पेस कहलाएगा। पहली कंडीशन क्या है? डी एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, मीन्स नॉन नेगेटिविटी। क्या? दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या दो पॉइंट के बीच का मीट्रिक कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, यानी कि क्या रहेगा? वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है। फिर क्या है? डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या है? अगर डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, यानी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर जीरो आ रही है, ठीक है ना, तो क्या है? दोनों पॉइंट इक्वल होंगे, x इजिकल टू वाई होगा। इफ एंड ओनली है, अगर x इजिकल टू वाई है तो डी एक्स वाई क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू x, आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स। इसका मतलब ये भी है, इफ टू पॉइंट आर कोइंसाइड, इफ टू पॉइंट आर कोइंसाइड देन डिस्टेंस इक्वल टू जीरो। टू पॉइंट x एंड y आर कोइंसाइड देन डिस्टेंस इज जीरो, राइट। इफ डिस्टेंस इज जीरो देन टू पॉइंट आर कोइंसाइड, राइट। तो क्या कहते हैं इसको? आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स के बारे में बताता है कि भाई पॉइंट्स इक्वल कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तीसरा क्या है? डी एक्स वाई, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, सिमिट्री। इसका मतलब क्या है? टू दो पॉइंट की डिस्टेंस चाहे एक्स से लेकर वाई के ऊपर ले लो या वाई से एक्स के ऊपर ले लो, दोनों की डिस्टेंस क्या आती है? हमेशा सेम आती है, ठीक है ना। ओके, इसको क्या बोलते हैं? सिमिट्री, राइट। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। इसको ट्रायंगल इनइक्वलिटी बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? देखो भाई, क्या कह रहा है? द सम ऑफ टू साइड, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू द थर्ड साइड। क्या कह रहे हैं? इसको ले लेते हैं, जैसे इसको ले लेते हैं डी एक्स वाई, ये क्या होगी? थर्ड साइड। अरे ये बहुत हो गई, क्या हो गई? इसको ले लेते हैं डी एक्स जेड, अरे इसको क्या ले लेते हैं? डी जेड वाई। यानी कि इन दोनों का सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्रेंगल लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगी? थर्ड साइड, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा? डी एक्स वाई, यानी कि क्या होगी ये? थर्ड साइड लेस देन इक्वल टू सम ऑफ अनदर टू साइड्स डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, राइट। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है ट्रेंगल इनइक्वलिटी। अगर ये पॉइंट क्या हो? स्ट्रेट फॉरवर्ड। दिस फोर्थ ये क्या है? इस केस में तो क्या रहेगा? हमेशा इक्वल टू भी आ सकता है और लेस देन भी आ सकता है, लेकिन इस केस में इक्वल टू कब आएगा? डी एक्स वाई इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। इक्वल टू की कंडीशन कब आएगी? जब ये पॉइंट क्या होंगे? किसी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट क्या हो गया? एक्स, ये क्या हो गया? वाई। तो डी एक्स वाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू द डी एक्स जेड प्लस डी जेड
वाई, ये आप जानते हो, ठीक है ना। तो ये फोर्थ पॉइंट क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, राइट। अगर ये चारों प्रॉपर्टी अगर डी सेटिस्फाइड कर देता है तो ये क्या होगा, इफ डी इज मैट्रिक्स फॉर एक्स देन द ऑर्डर्ड पेयर एक्स डी इज कॉल्ड मैट्रिक्स स्पेस एंड डी एक्स वाई इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, राइट। आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी, राइट। पहला ये एग्जांपल देखिए, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, लेट एक्स बी ए आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट तो आप लेना ही लेना है, एंड डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर बी ए फंक्शन सच दैट डी एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या है भाई, अगर x इज इक्वल टू y लोगे तो क्या आंसर देगा, डी एक्स वाई जीरो देगा, और x इज नॉट इक्वल टू y लोगे तो क्या देगा, आंसर वन, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ क्या देखना पड़ेगा, देखो पहली कंडीशन क्या दिखानी पड़ेगी आपने, अगर भाई हमने क्या दिखाना है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्या दिखा रहा है, क्लियरली डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्यों, या तो x इज इक्वल टू वाई है तो जीरो आ रहा है, या x इज नॉट इक्वल टू वाई पर क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो इसका मतलब है या तो वैल्यू जीरो आ रही है या वन आ रहा है, तो इसका मतलब डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू x। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हो गई, होल्ड कर गई, ठीक है ना। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। अब देखो डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, देखो डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो लेते हैं तो क्या, दिस इम्प्लाइज डी एक्स वाई अगर जीरो है तो x इज इक्वल टू क्या है, y है, x इज इक्वल टू क्या है, y है। अगर x इज इक्वल टू y है, x इज इक्वल टू y है तो डी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो दोनों केस में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है ना। इफ अगर अब ये केस भी देख लेते हैं, इफ डी एक्स वाई इज इक्वल टू वन इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है ना, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई पर क्या आ रहा है, आंसर वन आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये पहली वाली प्रॉपर्टी जो हमारी राइट है, डी एक्स वाई अगर जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू वाई यहाँ पर हमको गिवन है, ठीक है ना, और एक्स इज इक्वल टू वाई है, ठीक है ना। अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है तो दिस इम्प्लाइज क्या रहा है, डी एक्स वाई क्या आंसर दे रहा है हमारा, जीरो दे रहा है, दोनों बातें आ गई, ठीक है ना यहाँ पर। और इस केस में क्या है हमारे पास, अगर डी एक्स अगर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई क्या आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी, डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या दिखाना है, डी वाई एक्स। अब देखो डी एक्स वाई पहले केस लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई पर, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई पर क्या रहा है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इक्वल टू डी वाई एक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई है तो वाई इज इक्वल टू एक्स है, राइट। तो इस केस में भी हमारे पास इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो डी एक्स वाई, तो दूसरा केस क्या लेते हैं, x इज नॉट इक्वल टू y, तो इस केस में क्या है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, वन, x इज नॉट इक्वल टू y पर क्या है, वन। तो यहाँ से क्या आएगा, डी वाई एक्स, यहाँ पर भी क्या है, y इज नॉट इक्वल टू x, तो इस केस में भी डी एक्स वाई डी वाई एक्स भी क्या आ जाएगा, वन। तो इस केस में भी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, यानी जीरो वाले x इज इक्वल टू y पर भी डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स है, और x इज नॉट इक्वल टू y पर क्या है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, राइट। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आएंगे, तो फोर्थ प्रॉपर्टी पे हमें थोड़ा इधर सेपरेटली कर लेते हैं, या मैं इसको मिटा देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। तो फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी में चार पांच केस बनेंगे वो हम करते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, तो देखो ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, राइट। फोर्थ प्रॉपर्टी ट्रायंगल इनइक्वालिटी, क्या दिखाना हमने, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। फर्स्ट केस वन,
तो क्या ले लेते हैं, पहले x इजिकल टू y इजिकल टू जेड, यानी तीनों इक्वल ले लिए, x इजिकल टू y इजिकल टू जेड, तीनों केस ले लिए, ठीक है ना। तो देखो अब, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई इजिकल टू जीरो, डी एक्स जेड भी क्या आ जाएगा जीरो, और डी जेड वाई भी क्या हो जाएगा जीरो। क्यों, क्योंकि x बराबर क्या दे रखा है y, यहाँ क्या दे रखा है x इजिकल टू जेड, यानी x इजिकल टू y है तो y इजिकल टू जेड है, तो x इजिकल टू जेड। और इस केस में क्या हो जाएगा, y और z इक्वल हैं, y और z इक्वल हैं, ठीक है ना। तो तीसरी प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, क्योंकि डी जेड वाई इजिकल टू क्या होता है, डी वाई जेड होता है, ठीक है ना। ये तीसरी प्रॉपर्टी यूज कर ले, डी जेड वाई इजिकल टू क्या आ गया ऐसे जीरो, यानी कि दोनों इक्वल है। एक्स इजिकल टू वाई के केस में डी एक्स वाई जीरो हो जाएगा, वाई इजिकल टू जेड के केस में डी वाई जेड जीरो हो जाएगा। अरे ऐसे सिमिट्री वाली प्रॉपर्टी थर्ड लगा देंगे, डी वाई जेड इजिकल टू जीरो, डी जेड वाई इजिकल टू जीरो, और ये एक्स इजिकल टू जेड, यानी कि एक्स इजिकल टू वाई है तो वाई इजिकल टू जेड है, तो इन यहाँ से क्या निकल के आया, एक्स इजिकल टू जेड है। तो ये तीनों क्या हो गए हमारे पास, तीनों के तीनों जीरो हो गए, तीनों के तीनों जीरो हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, इनकी इसलिए भी जीरो है, लेस देन इक्वल टू जीरो प्लस जीरो, जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो, ये बात हमारी ठीक है, राइट। सेकंड केस लेते हैं, केस टू, केस टू में क्या लेते हैं भाई, x इजिकल टू वाई आर नॉट इक्वल टू जेड ले लिया, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो x इजिकल टू तो y है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई इजिकल टू जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि डी एक्स इजिकल टू वाई पर आंसर क्या आ रहा है, जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, x इजिकल टू वाई, क्योंकि x इजिकल टू वाई हमारे पास क्या है, केस गिवन है, क्या है हमारे पास ये केस गिवन है, ठीक है ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई इज नॉट इक्वल टू, अच्छा x इजिकल टू वाई है लेकिन x इज नॉट इक्वल टू जेड नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, डी एक्स जेड, यहाँ से डी एक्स जेड क्या आ जाएगा, डी एक्स जेड, डी एक्स जेड क्या आ जाएगा, वन। क्यों, क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो, वन इजिकल टू वन इज नॉट इक्वल टू टू, मान लिया यहाँ पर इसको x ले लिया और इसको y ले लिया और इसको क्या ले लिया, z, ऐसे मान लिया। ये वन है, वन इजिकल टू वन, यानी x इजिकल टू वाई और y इज नॉट इक्वल टू जेड, तो यहाँ पे वन इजिकल टू वन तो है लेकिन वन इज नॉट इक्वल टू टू, यानी कि x भी z के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ना, और y भी z के इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी एक्स जेड क्या आएगा, वन। क्यों, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू जेड, और यहाँ से डी जेड वाई क्या आएगा, जेड वाई क्या आएगा, ये भी वन आएगा। क्यों, क्योंकि जेड भी वाई के इक्वल नहीं है, बेसिक देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, क्या कंडीशन निकल के आ गई स्टूडेंट्स, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये क्या आंसर आया हमारे पास, जीरो लेस देन इक्वल टू वन प्लस वन, यहाँ से क्या आ गया, जीरो लेस देन इक्वल टू टू। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो गई, होल्ड कर गई, राइट, ओके। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि तीसरी प्रॉपर्टी भी हम देख सकें, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, ये मिटा देता हूँ मैं इसको थोड़ा ताकि जगह का कमी ना बने हमारे पास। फिर अगली प्रॉपर्टी लेते हैं बच्चों में, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ये ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वन इज नॉट इक्वल टू टू, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से टू, राइट। वन इज नॉट इक्वल टू टू, यानी कि एक्स की जगह वन ले लिया, वाई की जगह टू ले लिया, और ये यहाँ से टू ले लिया, तो वन इज नॉट इक्वल टू टू इज इक्वल टू टू। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, देखो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू, यहाँ से भी यही आएगा, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, कैसे, देखो अब एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई है तो इसका मतलब क्या आएगा, डी एक्स वाई इज इक्वल टू वन आएगा। क्यों, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू वाई है, यहाँ से देखो, ठीक है ना। और क्योंकि x x जो है z के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि वन इज नॉट इक्वल टू टू, तो x z के इक्वल नहीं है, तो डी एक्स जेड भी क्या आएगा, वन आएगा। यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है, x इज नॉट इक्वल टू z, ठीक है ना। तो और क्या आएगा, y इज इक्वल टू जेड है, तो डी वाई जेड इजिकल टू क्या आएगा,
जीरो आएगा, यानी कि इन यहाँ से थर्ड प्रॉपर्टी लगे डी जेड वाई इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से पुट कर देंगे वैल्यू डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, यहाँ से वैल्यू पुट करो। डी एक्स वाई क्या है वन लेस देन इक्वल टू, डी एक्स जेड क्या है डी एक्स जेड ये भी क्या है वन प्लस में डी जेड वाई क्या है जीरो, वन लेस देन इक्वल टू वन, ये प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाइड कर रही है, ठीक है ना। फिर देखो केस, ये केस कौन सा था मेरे पास थर्ड, केस थर्ड, केस फोर लेते हैं, क्या लेते हैं एक्स इज नॉट इक्वल टू जेड इज इक्वल टू वाई, ये केस भी है। तो यहाँ से देखो अब इसको ले लेते हैं वन इज नॉट इक्वल टू टू इज नॉट इक्वल टू टू, ऐसे मान लेते हैं एक्स की वैल्यू वन मान ली, जेड की वैल्यू टू मान ली, वन इज नॉट इक्वल टू टू और इज इक्वल टू टू, राइट। तो यहाँ से क्या आएगा देखो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, देखो कैसे डी एक्स वाई लेते हैं पहले, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई क्या है देखो अब यह x इज नॉट इक्वल टू y आएगा क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो डी एक्स वाई क्या आएगा 1 आएगा, क्यों क्यों क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू y आ रहा है, यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि x z के इक्वल ही नहीं है, तो z तो इज इक्वल टू y है तो x y के इक्वल नहीं आएगा, तो डी एक्स वाई क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा, और डी एक्स जेड, डी एक्स जेड भी यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है, एक्स और जेड तो इक्वल है ही नहीं, तो डी एक्स जेड भी क्या आएगा वन, क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल टू जेड, और डी जेड वाई क्या आएगा जीरो आएगा, क्योंकि जेड इज इक्वल टू क्या दे रखा है वाई दे रखा है, तो सारी वैल्यू पुट कर दो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, डी एक्स वाई क्या है यहाँ पर वन लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड क्या है ये भी वन है, प्लस में डी जेड वाई क्या है जीरो, वन लेस देन इक्वल टू वन, दिस इज आल्सो होल्ड, राइट। एक लास्ट की प्रॉपर्टी और बच गई, तीनों नॉट इक्वल हो, तीनों के तीनों नॉट इक्वल हो, केस फाइव एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड, तो इस केस में तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, तो इन इस केस में तो क्या हो जाएगा ये भी वन हो जाएगा क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स इज नॉट इक्वल टू जेड, ये भी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, जेड और वाई ये भी क्या है इक्वल नहीं है, तो इस केस में भी वन हो जाएगा, तो वन लेस देन इक्वल टू टू, तो चारों पांचों केस में क्या हो गया डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, हमारी ये मैट्रिक्स स्पेस क्या कर गया चारों के चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, इसका मतलब एक्स डी क्या है मैट्रिक्स स्पेस है, और ये कैसा मैट्रिक्स स्पेस है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, नाम ही क्या है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, जिसमें एक्स इज इक्वल टू वाई है तो जीरो आएगा और एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई आएगा तो वन आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं इस लेक्चर, एग्जाम्पल टू देखो, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस जो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मीट्रिक डिस्टेंस का यूज करते हैं वो क्या होती है डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है ना, तो एक्स माइनस वाई का मॉडुलस, ठीक है ना, ओके फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सो दैट एक्स डी इज ए मीट्रिक स्पेस। अब की बार क्या ले लिया एक्स इज इक्वल टू आर बी ए सेट ऑफ रियल नंबर एंड डी आर टू आर आर क्रॉस आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड एज डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सो दैट एक्स डी इज ए मीट्रिक स्पेस। अब आप जानते हो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, तो यहाँ से क्या आएगा क्लियरली क्लियरली डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, क्यों क्योंकि x माइनस वाई मॉडल्स वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू x, ये आप जानते हो मॉडल्स के अंदर चाहे नेगेटिव वैल्यू चाहे पॉजिटिव वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है और जीरो का मोड जीरो होता है, नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर कभी भी आ ही नहीं सकती, ठीक है ना, तो इसलिए क्लियरली डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू x, फर्स्ट कंडीशन। टू डी एक्स वाई सिमिट्री इज इक्वल टू डी वाई x फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू x, क्यों क्योंकि dxy का मतलब क्या है x माइनस वाई
मॉडुलस, यहाँ से क्या लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे और वाई माइनस एक्स, इसका मोड क्या आ जाएगा वाई माइनस एक्स का मोड, क्योंकि नेगेटिव क्या हो जाता है इसके अंदर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या आ गया ये, इसका मतलब क्या है डी वाई एक्स, यहाँ से पढ़ो एक्स माइनस वाई, यानी पहले एक्स है बाद में वाई है, तो यहाँ पर भी पहले एक्स है बाद में वाई है, तो डी एक्स वाई, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है पहले वाई है यहाँ बाद में एक्स है, तो डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी भूल गए, कोई बात नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है इसके अंदर, सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी भूल गए, कोई बात नहीं। डी एक्स वाई, डी एक्स वाई इजगल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इजगल टू वाई, ठीक है बिल्कुल बात। अगर दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा जीरो, और जीरो का मोड क्या होता है हमेशा जीरो होता है। तो दोनों पॉइंट अगर पॉइंट साइड कर रहे होंगे तो डिस्टेंस ऑफ यानी कि एक्स वाई डी एक्स वाई इजगल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। अगर दोनों पॉइंट इक्वल हैं तो डिस्टेंस जीरो आ जाएगा, और डिस्टेंस अगर जीरो है तो दोनों पॉइंट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कंडीशन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये प्रूव करके दिखानी है आपने। तो क्या करते हैं यहाँ से देखो, यहाँ से ले लेते हैं एक्स माइनस वाई इजगल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या करते हैं एक्स माइनस क्या करते हैं जेड घटा देते हैं, जेड जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और ये लेस देन इक्वल टू क्या होती है एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, क्या होता है ए माइनस बी का मॉडुलस, सॉरी ये ए मान लिया ये बी मान लिया, तो ए प्लस बी का मॉडुलस क्या होता है लेस देन इक्वल टू ए मोड ए प्लस मोड बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ये क्या है डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू, ये क्या है एक्स माइनस जेड, यानी एक्स पहले है जेड बाद में, तो क्या हो गया ये डी एक्स जेड प्लस ये क्या है जेड पहले वाई बाद में, तो डी जेड वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस भी क्या कर गया, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर गया, इसका मतलब एक्स डी क्या है कि मैट्रिक्स स्पेस है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है ना, चार पांच एग्जांपल और पढ़ेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, थैंक यू।